हम सभी जानते हैं कि मांगो की आबादी लगभग 3 लाख के करीब है। लॉकडाउन के पहले छोटा पुल पूरी तरह सुन था, छोटे वाहन छोटे पुल से जाते थे जिससे बड़े पुल में दबाव कम पड़ता। इसके साथ ही मांगो जो गोलचक्कर है जहां अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा लगी है वहां बैरियर हटा दिया जाता था। केवल रात के समय जब भारी व्हीकल शुरू होते थे तब बैरियर लगता था। इससे जिन लोगों को मांगो नगर निगम का कार्यालय, मांगो थाना, SBI का मुख्य शाखा, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, जिस लोग को जाना पड़ता था, जो डिमना लोग में रहते थे, जो बालीगुमा में रहते थे, जो पूरे उन लोगों को आसानी से लोग दाहिने मुड़ के नया पुलिया रोड में चल जाते थे। अब लॉकडाउन टूट गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन वो बैरियर नहीं हटा। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस से बात करके बैरियर हटाई तो कहे कि उच्च अधिकारी से आदेश से हम लोग बंद किए हैं, आप उच्च अधिकारी से बात कीजिए। हम लोग उच्च अधिकारी से निवेदन करने आए हैं कि आप बैरियर हटाइए जिससे डिमना रोड के लोगों को मांगो पुराना मांगो बस स्टैंड होते हुए पूरा गोलचक्कर का चक्कर लगा के मांगो नगर निगम का कार्यालय जाना पड़ रहा है, मांगो थाना पड़ रहा जा रहा है, लोग असुविधा हो रही है। इस असुविधा से हम लोग को मुक्ति दिलाइए, ये हम लोग बोलने माननीय अधीक्षक महोदय के पास।